हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, 40 साल पहले हम लोग यहाँ में किसी को पता नहीं था कि हम इस आश्रम में यहाँ आएंगे, अमुक अमुक लोग रहेंगे, ऐसा हो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ट्रेन में कौन यात्री कहाँ से बैठ करके आ रहा है, कब तक बैठा रहेगा, ये मालूम नहीं होता। और कौन यात्री कहाँ पर किस स्टेशन पर कब उतर जाएगा, ये भी मालूम नहीं होता। यात्री बैठ करके आ रहे हैं तो हमें खुशी नहीं होती, दुख भी नहीं होता। और जिस स्टेशन पर हम बैठे, हम ही अकेले नहीं बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। अब उन बहुत सारे लोग बैठे उस स्टेशन पर, उनमें से कौन कहाँ पर कब उतर गए हमें मालूम नहीं है। उनके लिए हम रोते गाते नहीं हैं। कोई यात्री हमारे सामने बैठा हुआ है, बड़ा प्रेम हो गया उस यात्री से, साथ में जो भोजन लाए हैं मिल बांट करके खाते हैं, वो यात्री उतर जाए तो हम रोते नहीं हैं कि आप उतरो मत, आप कहीं जाओ मत, सोते हैं। इसकी हमारी मुलाकात इतने समय तक की थी, यहीं तक इनका उतरना था, यहीं तक इनका टिकट था। और रोने लग जाएं, आप तो हमारे बड़े प्रेमी हैं, आप क्यों उतर रहे हैं, आप मत उतरो, उसको पकड़ ले, तो लोग कहेंगे पागल हो गया ये, अरे इनको तो यहाँ उतरना था, बीच में मिल गए। तो ऐसे ही जीवन की गाड़ी में जो बीच में मिल गए हैं, कब कौन उतर जाए उसके लिए क्यों रोते हैं फिर, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, कौन कहाँ उतरेगा क्या पता, मिल गए हैं बस साथ में, तो प्रेम का व्यवहार कर लें बस। जो सेवा करना है सेवा कर ले, मिल बांट कर के जो खाना है खा पी ले, पहले से सावधान रहें कि हमारे साथ में जो जीवन यात्रा में जो हमारे साथी चल रहे हैं, चाहे पिता के माता पिता के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में, बेटा बहू या गुरु से जिस रूप में हो, सोच ले कि इनमें से कोई कौन कहाँ उतरेगा मालूम नहीं है, पहले से तैयार रहो। हाँ, लेकिन उतरने के पहले उसके साथ जितना सुंदर से सुंदर व्यवहार कर सकते हो कर लो, जो लेना देना हो कर लो, ताकि पछताना ना पड़े। गलत व्यवहार करोगे चला जाएगा तो अरे उसके साथ चले गए, हमने ऐसे ऐसे गलत व्यवहार किया, पछताना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए कुछ करो मत, उतरना सबको है। बीच में चीज़ें मिल जाती हैं, हम कहते हैं अपना मानना पड़ता है। जैसे हम कल ट्रेन पर चढ़े, ये हमारी सीट थी, हमने बुक करा, पैसा जैसे भाई हमारी सीट थी, बैठ गए। ऐसे ही जो हमें जो घर मिला है, जमीन मिली, दुकान मिली, रुपया पैसे मिले, वो एक सीट है, मान लो हमने कर्म के ऐसे कमाई की थी, वो हमें मिलना था, वो मिल गए। उसके लिए हम लोभ कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, नहीं ये मेरा घर ही है, ये मेरा, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा खेत है, मेरे रुपये पैसे हैं। अरे वे कुछ समय के लिए है नहीं। अब ट्रेन में यात्रा करते हैं, हमने अपनी सीट बुक करवा ली, अपनी सीट बुकवा ली, कोई लोग सीट को लेकर लड़ते हैं, नहीं ये सीट मेरी है। कल मैं जब बैठा अपनी सीट आया तो और लोग बैठे थे। वही प्रयागराज में 3 महिलाएं आ गई मुस्लिम परिवार की, बताया कि सीट हमारी, तो और लोग बैठे गए, ये सीट तो हमारी है। उनको उन्होंने सीट बुक करवाई थी छपरा से, बोर्डिंग लिया नहीं था। अब इतना लंबी गाड़ी आई 8 घंटा से, टिटी तो दूसरे के लाट कर दिया, सेकंड एसी में भी बुक था,
और छपरा से यहाँ तक प्रयागराज तक बोर्डिंग नहीं जाकर आया तो अलर्ट तो होना ही होना था। ओके सीट हमारी है, वो सीट हमारी है, लड़ाई नहीं की है, लेकिन कई जगह होते क्या है, नहीं ये सीट मेरी है, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाते हैं। ठीक है, लोग नहीं समझते कि तो ये सीट केवल 4-6-8 घंटे के लिए है, लेकिन उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब हम गाड़ी से उतरे रायपुर पर, कहते बाबा जी ये सीट ले जाओ, तुम्हारी सीट यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो, तब क्या होता है, कोई उपाय सीट लाने के लिए। बस कुछ समय 4-6 घंटे के लिए सीट हमारी थी। ऐसे जो हम अपना मानते हैं, ये हमारा घर, ये हमारा मठ, ये हमारा खेत, कुछ साल के लिए है बस, आप कहे तो लेकर चले जाओ, किसका है, दादा बाबा ओपर पाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भये ही हो कि फूटी तिन काहे सब छाड़े हो, इस संसार असार को धंधा अंतकाल कोई ना ही हो, उपजत बिन सद्वार न लागे जो बादर की छाही हो। जिन्हें हम आज अपना कह रहे हैं, आज से 43-50 साल पहले हमारे दादा बाबा परपाजा कहते थे हमारा है, उनका था तो लेकर क्यों नहीं गए। उनका था तो लेकर जाना था, लेकिन कोई ले जाकर ले जा सका है, अपना मानना पड़ता है। जैसे हम ट्रेन पर आए ट्रेन से, तो ये हमारी सीट है, हम उसी सीट पर बैठ सकते हैं जिसकी सीट में जाकर के नहीं बैठ सकते, एक व्यवहारिकता है। ऐसे ही ये हमारा घर है, ये अपना मानना पड़ेगा, जिस किसी घर में जाकर हम घुस नहीं सकते, जिस किसी घर में जाकर हम चीज़ों को प्रयोग नहीं कर सकते, खा पी नहीं सकते, अपना मानना पड़ता है, वो एक व्यवहारिकता के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा मार पीट कलह कल्पना राग द्वेष छल कपट करना सिवा अज्ञान के और क्या है। लेकिन इसके लिए कितना कितना कैसे कैसे अनाचार अत्याचार हो रहा कर लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इतने लोभ मोह में पड़े हुए हैं लोग, जकड़े हुए हैं। ये जो जकड़न है, लोभ मोह की जो लिप्सा है, यही लिप्सा हमारे लिए दुख का कारण बनती है, और यही लिप्सा हमारे लिए जन्म मरण का भवचक्रम भटकने का कारण बनती है। अपना मानिए थोड़े समय के लिए, जब अपना मानेंगे तभी व्यवस्था होगी, व्यवहार होगा और रखरखाव होगा, सुरक्षा होगी। अपना माने बिना सुरक्षा नहीं होगी, रखरखाव नहीं होगा, लेकिन अंत में समझना होगा कि हमारा है नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कहूँ तो है नहीं, ना ही कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। यदि मैं कहता हूँ है, तो साहब कहते हैं है नहीं वसुता, है ही नहीं। कहता हूँ कि नहीं है, तो नहीं कहते भी नहीं बनता है कहते भी है ये भी कहते नहीं बनता, नहीं है ये भी कहते नहीं बनता। तब हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समा, जो साहेब है, जो विवेकी है, ज्ञानी है, वो है और नहीं के बीच में रहते हैं, है भी और नहीं भी है। अभी तो है, अभी जहाँ हम बैठे हैं आश्रम में, यहाँ साधिकाएँ रहती थी, और यहाँ रहने वाली साधिकाएँ कहती है कि हमारा आश्रम है। 5 साल पहले इन्हों को पता था कि हमारा आश्रम नवागांव में होगा, 5 साल पहले वो ये कहती थी।
कहीं और कहती थी कि ये हमारा आश्रम है। उससे और पहले यहाँ समिति थी, उससे और पहले चले जाओ 40-50 साल पहले किसी और के नाम पर ये ज़मीन थी। आश्रम का तो मकान तो बना ही नहीं था, किसी और के नाम पर ज़मीन थी वो। और 100 साल पहले चले जाओ तो किसी और के नाम पर ज़मीन थी। ये ज़मीन किसकी है? बस नाम बदलता रह जाता है, ज़मीन तो वही की वही रह जाती है। साहब ये कहते हैं कि है कहता हूँ तो है नहीं, कल किसी और की ज़मीन थी आज हमारी है, कल किसी और की हो जाएगी। कैसे कह दूँ कि ज़मीन हमारी है? कैसे हम कह दें आश्रम हमारा है? कल हमारा था नहीं, आज भर है, कल हमारा फिर नहीं रहेगा, तो कैसे कहूँ कहें कि हमारा है ये? जिस घर में आप रहते हैं 40 साल पहले हुए ले, उस घर में कोई और रहता था, आज आप रह रहे हो। 20-30-40-50 साल उस घर में कोई और रहने वाला आ जाएगा, तो कैसे कह सकते हैं कि आप हमारा है? लेकिन आज है, आज तो है हमारा। लेकिन साहब कहते हैं है तुम्हारा थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता। हमारा कोई घर नहीं है, हम तो सब घर हमारे हैं। किसी घर में घुस कर देखो, मार पीट पता नहीं कैसी क्या दशा हो जाएगी। है नहीं कहते मैंने तो, इसलिए हम अपने घर मानते हैं और उसमें जाते हैं। हमारा शरीर 50-70 साल पहले शरीर नहीं था, आज है। अब आगे कब तक रहेगा पता नहीं है। अभी है लेकिन पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, तो कैसे कहते हैं कि शरीर है? लेकिन नहीं कहा बिना जाए, नहीं कहते भी नहीं लगेगा। अभी भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, लगेगी तो पानी चाहिए। नहीं है तो भोजन खाना पीना भी सब छूट जाएगा, तो संभव ही नहीं है। है भी और नहीं भी है। है थोड़े समय के लिए, जैसे हमारी सीट है ट्रेन में आई, कितने समय के लिए थी? 10-12 घंटे के लिए। अब कितने समय के लिए नहीं, सदा काल के लिए वो सीट हमारी नहीं रह गई। 10-12 घंटे के लिए थी। जब इस घर से छोड़कर जाएंगे तो कभी इसमें मुलाकात नहीं होगी। जिन्होंने इस ज़मीन को दान दिया है, क्या कभी उन लोगों से इस ज़मीन की फिर मुलाकात हो सकती है? कभी वो लोग और आकर दावा कर सकते हैं? कभी नहीं आ सकते वो लोग। ऐसे एक दिन वो होगा कि हम भी कभी नहीं आएंगे और आते रहेंगे। ट्रेन वही रहती है, मुसाफिर बदलते रहते हैं, ऐसे ज़मीन वही रहती है, मालिक बदलते रह जाते हैं। दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। दरबार तो है, दरबान और दरबार में बैठा करने वाले ये लोग बदल जाते हैं, दरबार नहीं बदलता। ये इस चीज को, इस बात को हम ध्यान में रखें तो व्यवस्था बढ़िया होगी, लेकिन कलह नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, और इसके लिए हम पाप नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े अत्याचारी हैं, खूंखार लोग पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। किसी गरीब को देखे कि इसकी ज़मीन है बहुत बढ़िया, मौके पर ज़मीन है, बदमाश लोग जाकर के कब्जा कर लेते हैं, मारपीट करके निकाल देते हैं। ये ज़मीन तो हमारी, हमें ये काम करना है। वो ये नहीं समझ पाते कि कब तक इस ज़मीन पर मैं रहूँगा, लेकिन अहंकार इतना ज़्यादा रहता है, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। अपना एक तत्कालिक भौतिक स्वार्थ दिखाई पड़ता है। तो जैसे गाड़ी चलती है, अनेक प्रकार के दृश्य मिलते हैं,
अनेक लोग मिलते हैं, जीवन की गाड़ी चल रही है, जीवन की यात्रा चल रही है, कौन किस रूप में आकर के मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। कई बार ऐसा भी होता है, कोई यात्री आया, बैठा, कुछ देर पश्चात बड़ी मीठी मीठी बात कर लेता हो, एकदम थोड़े पूछे पास में भी बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ खाने पीने कहेंगे, भूख लगी आज हम ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, वो चले वो खाते हैं, वो खाते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे भी, बहुत कुछ करेंगे। और रात में सो जाओ तब आपका सारा माल चाल जितना लगे, जितना खिलाए पिला रहा है, ब्यास हैं तो उठाकर ले जाएंगे, ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे भी ऐसे इस दुनिया में भी मिलेंगे। वो कहते हैं तुम हमारे हो, हम तुम्हारे, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन फिर हमारा माल क्या है, हमारे मन का चैन, हमारे मन की शांत, इसको लेकर चले जाते हैं, गलत व्यवहार करके भी, अच्छे व्यवहार करके भी। करना क्या है, गलत व्यवहार करने वालों से द्वेष नहीं बनाना है, बैर विरोध का भाव मन में रखना नहीं है। जो अच्छे व्यवहार करते हैं, प्रेम का सेवक व्यवहार करते हैं, उसके लिए राग या मोह नहीं बनाना है, अपने आप को चिपकाना नहीं है। गलत व्यवहार किया उसको भी धन्यवाद, गलत व्यवहार कर रहा है आगे उससे व्यवहार हमारा निभ नहीं सकता, साथ में रहने पर मन में खटपट आएगी, व्यवहार में खटपट आएगी, अशांति रहेगी, इसलिए उससे यदि हटा जा सकता है तो हट लिया जाए, लेकिन हटने के बाद भी उसके लिए मन में द्वेष ना हो, घृणा ना हो, बैर विरोध ना हो, बदला लेने की भावना ना हो, क्योंकि कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, यदि हम उसके लिए मन में द्वेष भाव रखते हैं, घृणा रखते हैं, तो नुकसान हमारा ही होगा, हमारा मन कलुषित होगा, हमारे मन की शांति नष्ट हो जाएगी, हमारा सुख खत्म हो जाएगा, न भक्ति बनेगी, न साधना बनेगी। वो गलत है, गलत है, मिल गए समय से कहीं पर प्रणाम बंदगी हो गई, कुछ एक दिन रहे, साथ में खाना पीना भी हो गया, लेकिन लंबे समय तक तो व्यवहार नहीं निभाया जा सकता, उन्हें कि आगे फिर व्यवहार लेंगे, फिर खटपट हो सकती है, इसलिए उदासीन और अलग रह करके ये सोचे कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो सुख से जिए, अपने मन की शांति के लिए यह आवश्यक है। और कोई बहुत प्रेमी हैं, बहुत अनुकूल व्यवहार करने वाले हैं, बहुत सेवा करने वाले हैं, उनके लिए भी मन में राग या मोह न बनाए, क्योंकि राग या मोह बना देंगे तो हमेशा दिमाग में वही चढ़ा रहेगा, वो छूट न जाए, कुछ रोगी ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, भय में जीते रहेंगे, और भय में जिएंगे कहाँ चैन, कहाँ शांति, कहाँ सुख और प्रसन्नता, और अचानक शरीर छूट जाए तो एकदम फिर व्याकुलता, व्याकुल हुए कि बस हमारे मन का चैन खो गया, वो सब लूट करके ले गए। वो तो यात्रा में तो बहुत से लोग मिलेंगे ना, जहां जैसा उचित हो वैसा व्यवहार कर लेना है, बस उलझना नहीं है कहीं भी, उलझाने वाले मिलेंगे, जानबूझकर उलझाने वाले मिलेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो एकाएक जल्दी समझ में ना आए, ऐसे लोग भी मिलेंगे, लेकिन जैसे पता चले कि ये उलझाने का वाला है, हमें उलझाने का काम कर रहा है, बस सावधान। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका साथ छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वो हमेशा उलझाने वाला का काम करेंगे, पीछे खींचने का काम करेंगे, नीचे गिराने का काम करेंगे, मजबूरी है, उनका साथ छोड़ा भी नहीं जा सकता,
साथ छोड़ देंगे तो और गड़बड़ी हो सकती है। तो बस सावधानीपूर्वक वहाँ व्यवहार करना होगा। न स्वयं उलझना है न दूसरों को उलझाना है। सबका मन अलग अलग है और किसका मन कब कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आवश्यकता है जागरूकता की, सावधानी की। यात्रा में जब चलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, सामान रहता है, तो हम अपने सामान की सुरक्षा करते हैं, वे सामान को कोई इधर उधर करने ना पाए, को उठा कर ले न जाने पाए, सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही जो कुछ है उसकी भी सुरक्षा करें, सावधानी। अब जैसे यात्रा में हम आए, सामान रख दिए, सुरक्षित भाई यहाँ सुरक्षित हैं, अब वो सुरक्षित सुरक्षा चिंता इतनी ज़्यादा ना हो कि रात में नींद भी ना आने पाए, तो और उल्टा हो जाएगा फिर से। इतनी सावधानी ना हो कि वो सावधानी जो है हमारी रात की नींद को ख़त्म कर दे। सुरक्षा करो मतलब जीवन यात्रा में जो लोग मिले हुए हैं इतने सावधान ना रहो कि उनके लिए फिर मन में संदेह पैदा हो जाए, अविश्वास पैदा हो जाए। तो अविश्वास पैदा हुआ साथियों के प्रति तो साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा भय भय भय। न तो अविश्वास बना करके रखना है और न मोह बना करके रखना है। काम करना है, दोनों तरफ है, न द्वेष बनने पाए न राग बनने पाए। थोड़ी सी प्रतिकूलता होगी, द्वेष बनेगा, थोड़ी सी अनुकूलता होगी, राग बनेगा, और दोनों में एक्सीडेंट हो सकता है। हम सड़क पर चलते हैं, गाड़ी पर, हमारे सामने गाड़ी जाती रहती है, पीछे भी गाड़ी रहती है, और ड्राइवर को दोनों तरफ से सावधान रहना पड़ता है कि हम सामने वाली गाड़ी में जाकर हमारी गाड़ी टकराने ना पाए और पीछे वाली गाड़ी हमारी गाड़ी में आकर टकराने ना पाए। और चलना सबको है, ऐसा भी होता है कि एकाएक ब्रेक लगाना पड़ जाता है, लगाते ब्रेक लगाते लगाते भी गाड़ी टकरा जाती है। इसलिए क्या करते हैं, उचित दूरी बनाकर रखें भैया, उचित दूरी बनाकर रखो, ना राग बनने पाए और ना ही द्वेष बनने पाए। वो उचित दूरी खाली वहीं गाड़ी के लिए नहीं है, सड़क पर हमें उचित दूरी बनाकर रखना है ताकि लड़ने भी ना पाए और हमारी यात्रा सकुशल हो जाए। ऐसे ही जीवन की यात्रा में जिनके साथ रहते हैं वहाँ उचित दूरी बना करके रखें। अब चलोगे सामने जैसे है गाड़ी में, भाई सामने वाली गाड़ी से 200 मीटर दूरी बना कर रखेंगे आधे ताकि टकराने ना पाए, तो पीछे वाला आकर तुम्हें ठोंक देगा ना। बहुत धीरे से चलोगे तब क्या करोगे। ऐसे ही है, उचित दूरी बनाने का मतलब क्या है, अनुकूलता में भूलो मत, राग न बनने पाए, और प्रतिकूलता में भी न भूलो, द्वेष न बनने पाए। सहज व्यवहार, एक सहजता होनी चाहिए ताकि व्यवहार भी बढ़िया हो जाए और हमारे भक्ति सेवा साधना का काम भी बढ़िया हो जाए। साथ में रहने वाले लोग हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, कोई कम सेवा करता है, कोई ज़्यादा सेवा करता है, कोई कम बात मानता है, कोई ज़्यादा बात मानता है, कोई कम योग्य है, कोई अधिक योग्य है। अब व्यवहार सबसे लेना है,
सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। और साथ छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए एक प्रकार से समता का भाव बना करके रखना होगा। और ये भी निश्चित है कि हम चाहे कितना भी बढ़िया से व्यवहार करें, हम ये सोचें कि हम तो बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, किसी को दुख देने वाली बात नहीं कर रहे हैं, दुख देने वाला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कितना भी सावधान क्यों ना रहें और कोई कितना से योग्य क्यों ना हो, साथ में रहने वाले जो लोग हैं सबको कोई खुश कर नहीं सका है और कर नहीं पाएगा। हम सोचे कि हम सबको खुश कर लें, आप परिवार में रहते हो, चार छह लोग ही सबको, सोचे कि आप सबको हम बिल्कुल एक जैसा खुश रख सकें, असंभव। चार छह लोग का ही परिवार है, उसी में कोई नाखुश हो जाएगा, सोचेगा देखो उनके लिए ऐसा किया, हमारे लिए ऐसा नहीं किया, उनकी बहुत बड़ी बड़ी बात मान ली जाती है, हमारी छोटी सी बात भी नहीं मानी गई, उनको जब देखो तब छुट्टी मिल जाती है, हम तो दो दिन छुट्टी मांगे हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, पता नहीं कैसे कैसे। एक परिवार में चार छह लोग हैं, घर का मालिक या कोई भी सबको खुश नहीं कर सकता, तो ऐसे जीवन यात्रा में जो असंख्य लोग मिलते हैं कैसे सबको खुश कर सकते हैं। संभव ही नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी ओर से ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो नाखुश हो जाए। और नाखुश हो गया तो व्यवहार और खराब हो जाएगा। जितना संभव हो प्रेम का, सेवा का, समता का, सहजता निष्पक्षता का व्यवहार, और ये व्यवहार करते हुए मन सरल और शांत बना रहे, मन उद्वेग रहित बना रह जाए, सावधानी इस बात की रखनी होगी। और एक हकीकत कि कब किसका मन कैसे बदल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। दोस्त दुश्मन भी हो सकता है, बन सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकते हैं, कट्टर से कट्टर दुश्मन है लेकिन वो दोस्त बन सकता है, पक्के दोस्त हैं कट्टर दुश्मन बन सकता है, ऐसा होता है, मन है लोगों का। इसी छत्तीसगढ़ की बात है, एक गांव में दो भक्त थे, दोनों बड़े भक्त और गुरुदेव जी के प्रति दोनों की अनन्य निष्ठा, लेकिन दोनों में इतना बैर, इतना बैर कि हद, वो गांव वालों की भक्ति खत्म होने लग गई उन दोनों के बैर से। और दोनों अच्छे थे, ऐसे नहीं हैं अब किसी बात को लेकर के दोनों के मन में कोई खटास पैदा हो गई, दोनों में कट्टर बैर, बहुत लोगों ने समझाया लेकिन मिलने को तैयार नहीं दोनों। अंत में एक बार दोनों को गुरुदेव जी बुलाए अपने कमरे में और काफ़ी देर तक समझाए गुरुदेव जी, तुम दोनों इतने भक्त हो, इस गांव में सबसे बड़े भक्त तुम लोग माने जाते हो, तुम्ही लोग आपस में लड़ते झगड़ते हो, तुम लोग ऐसे दुश्मन औरों पर क्या प्रभाव, क्या भक्ति करते, बहुत समझाए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अब ठीक है, जो कुछ हुआ तो वह भूल जाओ, अब दोनों एक दूसरे की बंदगी कर लो और भूल जाओ। बंदगी नहीं किया, गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम दोनों की बंदगी कर लेता हूँ, लेकिन दौर कर, लेकिन नहीं माने वो लोग दोनों। अब गुरुदेव जी अब क्या करें, खत्म मामला, इतने कट्टर बैर। साल भर बाद जब गुरुदेव जी के उस गांव में कार्यक्रम हुआ तो दोनों हंसते हुए एक साथ दोस्त बन करके मिलने के आगे अगुवाई करने के लिए अपने आप बदल गया।
समय होता है। इसलिए बात यहाँ पर वो है, किसी से राग और द्वेष न बनने पाए। क्योंकि कब किसका कैसे साथ छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता है। सहजता होनी चाहिए। तो जीवन की यात्रा चल रही है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जीवन यात्रा कहाँ पर ख़त्म होगी, किस रूप में ख़त्म होगी। कहाँ से जीवन यात्रा शुरू हुई है ये हम बता सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन चलती है, कहाँ से आ रही है, हम जहाँ बैठे कहाँ से आ रही है, कहाँ से आई है, ये हम बता देंगे। लेकिन जहाँ तक जाना है वो गाड़ी वहाँ तक वहाँ पहुँचेगी पहुँचेगी कोई गारंटी नहीं है। कोई दुर्घटना घट जाता हो क्या करेंगे, अनेक ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट होता ही रहता है। कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी लेकर आ रहा है, कहाँ से आ रहा पता है, लेकिन वो पहुँच ही जाएगा, अनेक एक्सीडेंट हो जाता है। अभी रायबरेली की घटना है, कल के साथ घटना है, कुछ लोग एक सेठ परिवार के लोग रात्रि में छह लोग कार में गए थे बैठने एक ढाबा पर भोजन खाने के लिए, साथ लौट रहे थे, जा रहे थे, बालू का डंपर आया और उसी पर पलट गया गाड़ी पर, पांच लोग वहीं वहीं मर गए, एक आदमी बचा। पता था उनको एक्सीडेंट नहीं हुआ, डंपर उसी पर पलट गया, पूरे बालू में दब गए लोग। जब तक लोग आए तब निकाले तब तक पांच लोग दम तोड़ चुके थे। इसी दिसंबर में इधर प्रयागराज से आगे कानपुर रोड पर एक बारात गई थी, एक बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे पटरी पर खड़ी हुई थी, जैसे लोग उतरते थे ऐसे पटरी पर खड़ी थी, चल नहीं रही थी, एकदम पटरी पर खड़ी हुई थी। एक बालू का डंप पलटा, महिला और बच्चे समेत छह लोग मर गए, कुछ दो तीन लोग मुश्किल से बच पाए। तो बात यह है कि कोई ट्रेन कहाँ से आ रही है ये हम बता सकते, लेकिन जहाँ जाना वहाँ तक पहुँच ही जाएगी सकुशल, कोई गाड़ी जहाँ जाना वहाँ तक सकुशल पहुँच ही जाएगी कहा नहीं जा सकता। पहुँचती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचती है, पहुँचती भी है, लेकिन गारंटी नहीं है। ऐसे ही जीवन की जो गाड़ी है सकुशल जहाँ गंतव्य तक पहुँच ही जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सावधानीपूर्वक हमें काम करने की आवश्यकता है, हर समय सावधानी, सोते जागते उड़ते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते खाते पीते लोगों से बात व्यवहार करते सावधानी। और सावधानी यही है कि मन में कोई विकार न बनाए, लोभ मोह राग द्वेष बैर विरोध ईर्षा घृणा, ये विकार ना आने पाए मन में। विकार आए मतलब दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सारा काम करते हुए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कभी घाटा होता है कभी मुनाफा होता है। और अभी इस तरफ देख लो तो खूब पानी है, उधर उत्तर भारत में दिल्ली से कोलकाता तक बिल्कुल सूखा, एकदम सूखा की स्थिति है, धूल उड़ रही है, तो ये सब चलता रहता है। एक्सीडेंट होना क्या है ये हम रोक नहीं सकते, न बरसात को भी नहीं रोक सकते, सूखे को भी नहीं रोक सकते। जो है उसी में काम करना है, बरसात हो रही उसमें काम करना है, सूखा है उसमें क्या काम कर सकते हैं इसमें काम करना है। ऐसे जीवन में है, कहीं घाटा हुआ कहीं मुनाफा हुआ, कोई मिला कोई बिछड़ा। एक्सीडेंट होना क्या है, यदि हमारे मन की शांति नष्ट हो गई, हमारे मन की प्रसन्नता नष्ट हो गई, मन में अशांति आ गई,
क्लेश हो गया, मन मन में चिंता भय हो गया, तो समझ लो एक्सीडेंट हो गया, हम सावधान नहीं रहे, सावधानीपूर्वक जीवन की गाड़ी को हाँक नहीं रहे थे। सावधानीपूर्वक जीवन की गाड़ी को हाँकेंगे ना तो मन में चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, अशांति को कोई कारण नहीं होगा, सब क्योंकि हम बाहर घटने वाली घटनाओं को रोक नहीं सकते। और जिसे रोक ही नहीं सकते हैं और वो होना ही है, घटना घट ही गई, तब रोने से क्या वो घटना सुधर जाएगी? रोने से क्या जो हमारा प्रिय व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है वो जीवित हो जाएगा? रोने से घर में जो कुछ चोरी होगी हम रो रहे हैं तो क्या चोर लौटा कर सामान ले आएगा? घर में आग लग गई है क्या रोएंगे तो क्या जो वो आग बुझ जाएगी और जैसे चीज जैसे जैसे हो जाएगी क्या? अब घटना तो घट गई, मन में थोड़े समय के लिए एक लहर आ गई, बात अलग, लेकिन हम एकदम चिंता में भय में परेशान हैं, रो रहे हैं याद कर कर के, यही जीवन का घाटा है, भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है, मौत नहीं हुई है बस घायल होकर पड़े हुए हैं, मौत हो जाती चलो अच्छी बात, ये घायल होकर के जीना, ये घायल होकर जीना क्या है? अशांति में, चिंता में, भय में, तनाव में, उद्वेग में, द्वेष भाव में जीना, ये घायल होकर के जीना है। उपाय करो कि जैसे ये घायल बना है कैसे जल्दी जल्दी दूर हो सकते, इसी के लिए ज्ञान भक्ति विवेक विचार संयम साधना की आवश्यकता होती है। जितना हम इसमें इन बातों में जोर देंगे, ज्ञान भक्ति विवेक विचार सेवा संयम साधना पर, उतना ही एक्सीडेंट होने से हमारी बचत होगी। एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो घायल अवस्था नहीं आएगी, घाटा नहीं होगा। जैसी स्थिति हो जाए, शरीर में रोग होगा, भयंकर रोग हो सकता है, बुढ़ापा तो आना ही आना है, सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा, जिसकी कोई दवा ही नहीं लिखी किसी डॉक्टर के पास, सब बीमारी की दवा है, बुढ़ापा ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है। और लोग चाहते भी क्या हैं कि हम बहुत दिन तक जिए, अरे बहुत दिन तक जियोगे तो बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, खाट पकड़ कमर पकड़ खाट पर लेटे रहोगे, बहुत दिन तक जीना भी चाहते हैं, बूढ़ा होना भी नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा, अब रोए साहब हम बूढ़े हो गए क्या फायदा। गुरुदेव जी बताते थे अक्सर, गुरुदेव जी सदगुरु श्री विशाल साहब से मुलाकात किया करते थे, जाते रहते थे मिलने के लिए, और गुरुदेव जी काफ़ी अंतरंग हो चुके थे उनसे, तो समय समय से श्री विशाल साहब कहते थे गुरुदेव जी से, लोग आते हैं मिलने के लिए, पुराने पुराने परिचित लोग, कहते हैं साहब अब तो हम बूढ़े हो गए, हमें तो कभी नहीं लगता कि हम बूढ़े हो गए, 90 साल की उम्र में कहते थे, क्यों? मन बलवान, शरीर बूढ़ा हो होगा, मन बूढ़ा ना हो, लेकिन मन बूढ़ा ना होने मतलब क्या है? मन का विवेक में ढला रहना, हर समय विवेक विचार में मन, आत्मचिंतन में मन का डूबे रहना, ये मन का बूढ़ा, और ऐसा जो है उसके जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी चलेगी, यात्रा होगी जीवन की। तो जैसे यात्रा में असंख्य लोग मिलते हैं, अनेक स्वभाव संस्कार के लोग मिलते हैं, और एक एक करके सब छूटते चले जाते हैं, ऐसे जीवन की यात्रा में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, असंख्य लोग मिलेंगे, मिले और मिलना छूटने के लिए होता है,
अब तक जरा कल्पना करो, जितना हमारा जीवन बीता है, सबका जीवन बीता है, जितना वो जो बीते जीवन में बहुत लोग मिले, बचपन के मित्र, ऐसे ऐसे मित्र मिलते बचपन के जिसको एक दिन न देखो तो रोना आता था और देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। आज वो मित्र नहीं रह गए, उसकी याद भी आती है कभी? उसके बिना कोई काम रुका है जीवन का आपका? बहुत लोग मिले, बहुत बहुत प्रेमी मिले और लगता था कि उसमें यही जीवन है, आज उनकी याद भी नहीं आती और उनके बिना हमारे जीवन में कोई घाटा नहीं है। ऐसे ही आज जिस स्थिति है, आर्थिक स्थिति जैसी है, पारिवारिक स्थिति जैसी है, सामाजिक स्थिति जैसी है, जो लोग मिले हुए हैं इनमें से कोई छूट भी जाएगा ना तो जीवन की गाड़ी आराम से चलेगी। क्यों रोते हैं? वर्तमान में जो करना चाहिए था वो करो। आपसे अधिक दुखी लोग दुनिया में हैं। जो दुख हमारा है ना, कुछ उनके दुख के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा दुख हमें सबसे ज़्यादा लगता है, हमारी परेशानी हमें सबसे अधिक परेशानी लगती है। दूसरे को देखो ना तब पता चलेगा। काफ़ी पहले की बात है, 90 के आसपास की बात होगी, उससे पहले होंगे। गर्मी का समय था, गुजरात में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, लौट रहे थे, मैं नहीं था, मैं तो उस समय यहीं आश्रम में था प्रयागराज में। गुरुदेव जी लौट रहे थे संत समाज के सहित, दिन में एक जगह आकर के गाड़ी रुक गई और थोड़े दिन रुकी, कई घंटे रुक गई। छोटा सा स्टेशन, उसी पर गाड़ी खड़ी थी। पता किया गया अभी कि गाड़ी इतने देर से खड़ी, कई घंटों से खड़ी है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? तो पता चला कि आगे में आगे जा करके एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल है, बचाव कार्य चल रहा है। आगे जब लाइन क्लियर हो जाएगा सब हटा करके, तब ये गाड़ी आगे जाएगी। और हो सकता तो 4-6 घंटा लग जाए, 10-12 घंटे जैसे लग जाए। तो एक संत ने गुरुदेव जी से कहा, बड़ी परेशानी है, गाड़ी कब चलेगी? गुरुदेव जी ने कहा, कौन सी परेशानी है? डिब्बे में बैठे हो, पंखा चल रहा है, प्राथमिक स्टेशन है, देखो बगल में पानी भरा हुआ है, और खाने के लिए भक्तों ने इतना दिया हुआ है कि 2 दिन भी गाड़ी खड़ी रह जाएगी तो भी ख़त्म नहीं होगा, इतना तुम्हारे पास खाने को है, परेशानी क्या है? जरा सोचो, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोग मर गए हैं, मर गए तो उनकी बातें ख़त्म, किसी के पैर कट गए, किसी के हाथ कट गए, किसी के इसमें चूर हैं, उसमें तुम होते तब क्या होता? मर जाते तो छुट्टी हो गई ना। ये तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होता, हाथ पैर कट गए होते, उसमें तुम बिलबिलाते रहते तब क्या होता? तो वो परेशानी, वो ज़्यादा परेशान है कि तुम ज़्यादा परेशान हो? कहा, महात्मा ऐसा तो सोचा नहीं था, इसलिए तो परेशानी है, ऐसा नहीं सोचे थे इसलिए। भैया जीवन में सब होगा, घाटा होगा, मुनाफा होगा, सुख होगा, दुख होगा, जन्म, किसी के जन्म होगा, किसी की मौत होगी, कहीं अपमान होगा, कहीं सम्मान होगा। रो मत, रोना नहीं है किसी ने। और आपके दुख से इससे बड़ा दुख है दूसरे का। सावधानी पूर्वक क्या करना है ये सोचना है। एक्सीडेंट न करो, एक्सीडेंट मैंने कहा था,
एकदम व्याकुल हो जाना, रोने लग जाना, हाय हाय करने लग जाना, इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या होगा। ये एक्सीडेंट ना होने पाए। दो घटना घट गई है, सहज भाषित को स्वीकार करें। जो भी घटना हो, मुनाफा हो गया, अब उछलने लग गए एकदम, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, वो भी दुर्घटना घट गई, अहंकार आ गया। हर परिस्थिति में कैसे सहजता से, समता से जिए, इसमें हमारी बुद्धिमानी है और कुशलता है। तो जीवन की गाड़ी चल रही है, असंख्य लोग मिले, असंख्य प्राणी मिले, पदार्थ मिले, कहाँ कहाँ गए, सब छूट गए, आज उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आज जो मिले हैं वो भी छूटेंगे, कल जो मिलेंगे वो भी छूटेंगे, लेकिन हम अपने से नहीं छूटेंगे। इसलिए हमारा मन भी हमारे साथ रहेगा, अपने मन को संभाल करके रखें और अपने आप को संभाल करके रखें। मन को संभाल कर रखने का मतलब है मन कहीं विचलित न होने पाए, अशांत, उद्विग्न, पीड़ित, चिंतित, भयभीत न होने पाए। और अपने संभाल कर रखने का मतलब है मन हमेशा विवेक में जागृत रहे, अपनी वास्तविकता का, अपने स्वरूप का भान बना रहे। अंत में जीवन की गाड़ी जाकर समाप्त हो जाएगी, लेकिन समाप्त होने के पहले हम हमारी मंजिल तक, आत्मशांत, आत्मकल्याण की मंजिल तक पहुंच जाएं, सावधानी पूर्वक इसके लिए यात्रा करना है। और ये ऐसा हो गया तो समझ लो जीवन यात्रा सफल हो गई और हम मंजिल तक पहुंच गए, जहां पूरा का पूरा विश्राम है। बस अपनी बात यहीं समाप्त।